Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 23 अक्टूबर 2021 के लिए है, यानी कि सैटरडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। कल के दिन आप किन एनर्जीज को एक्सपीरियंस करने वाले हैं? ओके, किंग ऑफ विंटर का कार्ड है, टू ऑफ ऑटम का कार्ड है, यहां पर एट ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड निकल कर आया है यहां पर। तो आप इसमें कुछ और गाइडेंस भी लेंगे। किंग ऑफ विंटर का कार्ड यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंडीशनिंग का कार्ड है, टू ऑफ ऑटम कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है, एट ऑफ स्प्रिंग गाइडेंस का कार्ड है, द हर्मिट इंटेंसिटी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेशेंस का कार्ड है यहां पर। ओके, कल के दिन के लिए आपके फॉर्चून कार्ड्स क्या कहते हैं वो भी निकाल लेते हैं एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू द एनर्जी फॉर टुमारो। ओके, कल के दिन की एनर्जी क्या रहने वाली है, किस तरह की एनर्जी होगी, लेट्स सी दैट। तो सोसाइटी का कार्ड है यहां पर, जेलसी का कार्ड है, मैनिफेस्टेशंस का कार्ड है यहां पर एंड बॉटम कार्ड इज परसिवरेंस का कार्ड है। ओके, किंग ऑफ विंटर का कार्ड है विद कंडीशनिंग का कार्ड है। देखिए, कल के दिन पर आपको जो भी डिसीजन लेना है उसमें आपको किसी एक्सपर्ट या किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन की हेल्प लेने की जरूरत है। जो इंसान फेयर माइंडेड हो, जो इंसान किसी भी पक्षपात में यकीन ना करता हो, ऐसे इंसान का आपको फेवर लेने की जरूरत है कल के दिन पर। अगर आप अपने किसी रिश्ते को सुलझाना चाहते हैं या आपके बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो किसी प्रोफेशनल हेल्प की कल के दिन पर आपको जरूरत है। कल के दिन पर आप जो भी महसूस करते हैं उसे पब्लिकली बोलिए, ठीक है? और ऐसा हो सकता है कि कल के दिन पर आपके पार्टनर आपके ऊपर किसी तरीके की कोई कंडीशन इम्पोज करने की कोशिश करें। पार्टनर से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके कोई लव अफेयर वाले ही पार्टनर की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैं आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। आप किसी के साथ काम कर रहे हैं तो वो पर्सन भी आपके ऊपर कोई कंडीशन इम्पोज करने की कोशिश कर सकता है। तो उस एनर्जी से बचने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, आपको किसी ऐसे पर्सन की हेल्प लेने की जरूरत है जो पर्सन बहुत ही फेयर हो, जो पर्सन न्यूट्रल हो बेसिकली, ठीक है? कल के दिन पर आप दो सिचुएशंस के बीच में कंफ्यूज रहेंगे, शायद किसी का डबल फेसेड चेहरा भी आपके सामने आएगा। आप मल्टीपल काम करते हुए कल के दिन पर मुझे नजर आ रहे हैं, आप मल्टीटास्किंग करेंगे कल के दिन पर और इसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है। तो आपको अपने खाने को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अपनी रेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और किसी के डिसीजन को इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करना है कि आप एक कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी के अंदर एंटर कर जाएं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कल के दिन पर दो सिचुएशंस के बीच में कंफ्यूजन डेफिनेटली होगी और कोई इंसान आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मजबूर कर सकता है किसी भी चीज को लेकर। आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, किसी भी चीज में यहां पर ये कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जीज नजर आ रही हैं। यहां पर एट ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज आपकी लाइफ में होने वाली है जिसकी वजह से आप थोड़ा स्ट्रेस्ड रहेंगे। ये चॉइसेस की वजह से ये हो सकता है कि आप स्ट्रेस्ड हों। आप सभी चीजों को एक साथ करना चाहेंगे, वो नहीं होंगी और कुछ अलग से चेंजेस कल के दिन की एनर्जी में नजर आ रहे हैं। वो जो चेंजेस हैं उसमें आपको गाइडेंस की जरूरत है। मैंने आपको बोला है कि कल आपको किसी ऐसे पर्सन की गाइडेंस मिल सकती है जो कि फेयर होगा, तो वो पर्सन जो भी आपसे कहे, आप को अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, उस गाइडेंस को डेफिनेटली कल के दिन पर आप फॉलो कीजिएगा। दैट विल हेल्प यू आउट कि आप कैसे अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट कर पाएंगे, ठीक है? कल के दिन पर अपने इंट्यूशन की आवाज सुननी बहुत जरूरी है।
आपको कल एक मेंटोर, एक गाइड मिल सकते हैं अपनी सोसाइटी से। आप थोड़ा सा आइसोलेट होते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होती नजर आ रही है, आप एनलाइटन होते नजर आ रहे हैं। आप जिस अंधकार में शायद डूबे हुए थे, उस अंधकार से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और इस चीज की इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा शार्प है। ठीक है, बहुत शार्प इंटेंसिटी है जहां पर आपकी एनलाइटनमेंट यहां पर मुझे होती हुई नजर आ रही है। यहां पर एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, विद पेशेंस का कार्ड है। अब वो वक्त आ गया है जब आपको एक्शन लेने की जरूरत है। आपने बहुत चीजों को लेकर पेशेंटली वेट किया है। कल के दिन पर आप फियरलेस रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, इन द टर्म्स कि आपको डर नहीं लग रहा है। वैसे स्ट्रेस रहेगा, लेकिन ये जो पर्सन आपको गाइडेंस देगा उसकी वजह से आप हैप्पीली अपने डर के ऊपर काबू पा जाएंगे और आपको कुछ अलग सी करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। किसी करियर को लेकर एक नई शुरुआत होती हुई कल के दिन में नजर आ रही है। कल की एनर्जी इस तरह की एनर्जी है कि आपका कुछ ऐसा पार्ट है जो कि कल खत्म होगा। हो सकता है कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो करियर को लेकर, या कोई सक्सेस ना मिल रही हो, तो वहां पर सक्सेस मिलती हुई कल के दिन पर यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रही है। सोसाइटी का कार्ड है, कल के दिन पर जो भी इन्विटेशंस आएंगी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना है, और आप नहीं करेंगे भी नहीं। द रीजन इज दैट क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको इन्विटेशंस नहीं मिलेंगी, कल के दिन पर इन्विटेशंस डेफिनेटली मिलेंगी, लेकिन आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है, बिकॉज कल के दिन पर आप बहुत सारी चीजों से एनलाइटन होंगे। हो सकता है आप किसी ऐसे इवेंट में जाएं जहां पर आपको किसी का असली चेहरा नजर आए, ऐसा भी हो सकता है। कल के दिन पर आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हुए यहां पर मुझे नजर आ रहे हैं। जेलसी का कार्ड है, लोग आपसे जेलस फील करेंगे, आप अपने पर्सनल सीक्रेट किसी से रिवील नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। आप कल नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड कीजिएगा ताकि आप खुद से एक कनेक्शन बना पाएं, बिकॉज लोगों के साथ अपने सीक्रेट्स शेयर करने का मतलब है कि आप प्रॉब्लम को इनविटेशन दे रहे हैं। ओके, यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, विद परसिवरेंस का कार्ड है। देखिए, कल के दिन पर आप मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कीजिए, या फिर आपने जो पास्ट में मैनिफेस्ट किया है वो आज आपकी लाइफ में इस तरह से आ रहा है कि आपकी कोई एक चीज खत्म होकर नई चीज शुरू होती हुई नजर आ रही है। आपके विशेष पूरे हो सकते हैं कल के दिन पर अगर मैनिफेस्टेशन करते हैं तो, और जो आपने पहले किया है उसका रिजल्ट आपको कल के दिन पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। परसिवरेंस का कारण है, आपको ऐसा लगेगा कि मेरी जिंदगी के अंदर हो क्या रहा है कल के दिन पर, लेकिन जो चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, इसलिए आपको गिव अप नहीं करना है। कल के दिन के जितने भी चेंजेस हैं वो आपके लिए बहुत स्पेशल साबित होंगे, तो गिव अप नहीं करना है कल की एनर्जी में। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कल का दिन सैटरडे का दिन है, शनिदेव का दिन है। कल के दिन अपने कर्मों पर बिल्कुल नियंत्रण बनाए रखिए और शनि देव से प्रार्थना कीजिए, जो भी आपने बुरे कर्म किए हैं, जाने अनजाने किए हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि आपने कुछ बुरा कर्म किया है, जो भी जाने अनजाने में आपसे कुछ भी ऐसी भूल चूक हो गई है, उसके लिए शनि देव आपको क्षमा कर दें। ठीक है, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेना ज्यादा बेटर होता है, रेदर देन टू वेट फॉर इट्स पनिशमेंट। ठीक है, और कल के दिन शनि मंदिर जाइए, कल के दिन नीली और काली चीजों का दान कीजिए। उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं आप, जो रिन साबुन होता है वो ब्लू कलर का होता है उसका दान कर सकते हैं आप। कल के दिन पर जिनको इल्यूजन की एनर्जीज हैं वो अपने छत के ऊपर चिड़िया के लिए बाजरा रखें, ठीक है, और अर्थन पॉट में रखेंगे। कल के दिन पर जिनको अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो आटे की गोलियां घर से बनाकर ले जाएं और मछलियों को जाकर डालें। कल के दिन पर आप एक कटोरी के अंदर सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें 1 रुपए का सिक्का डालिए, उसके में अपना आई कांटेक्ट बनाइए अपने रिफ्लेक्शन के साथ, और उस तेल को आप शनि मंदिर में या भैरव मंदिर में जाकर चढ़ा आइए। कल के दिन पर जिन लोगों को बहुत डर लगता है, एंजाइटी की एनर्जी है, फियर की एनर्जी है, वो कल काली मंदिर जाइए, काली माँ के मंदिर जाइए, और वहां पर आप काली चालीसा का पाठ कीजिए, माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपके अंदर जितने भी ये डर हैं, जितने भी आपकी फियर की एनर्जीज हैं वो आप ओवरकम कर पाए। माँ के लिए श्रृंगार ले जाइएगा और एक चुनरी भी जरूर ले जाइएगा, और एक नारियल ले जाइए, उस नारियल को अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आप वहां पर अर्पित कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जिन लोगों का कोर्ट केस कुछ चल रहा है, कल आप थोड़ा सा कच्चा कोयला लीजिए, उसे
आपने ऊपर से 7 बार घुमाकर जल में प्रवाह कर दीजिए, कोर्ट केस आपकी फेवर में होंगे। ये उपाय आप कल के दिन पर कर सकते हैं ताकि आप अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम कर पाए, ठीक है। सो आई होप कल की एनर्जीज को आप बहुत ब्यूटीफुली चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सी यू सून।